हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्की आदिज क्लासेस। अगर फ्रेंड्स आप भी सीखना चाहते हैं हाउ टू यूज़ पीरियड्स एंड फुल स्टॉप्स तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली यूज़फुल वीडियोस सबसे पहले आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, कैसे यूज़ करते हैं अब्रीविएशन में फुल स्टॉप्स को और कैसे नहीं करते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक अपर केस होते हैं, एक लोअर केस के अब्रीविएशन होते हैं। मैं अपर केस के अब्रीविएशन यहाँ पे लिखता हूँ, FBI, CEO, CFO, HIV, UK एंड US, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी FBI का फुल फॉर्म। CEO का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, UK द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, US द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आप US, USA और अमेरिका भी कहते हैं, और ये 50 स्टेट्स की कंट्री होती है। फ्रेंड्स, ये थे फुल फॉर्म। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे FBI में कुछ डॉट्स यूज़ करूँगा। F.B.I, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। C.E.O. करेक्ट। C.F.O. करेक्ट। H.I.V. करेक्ट। U.K. करेक्ट। U.S. करेक्ट। मतलब यहाँ पे ये है कि चॉइस है आपके पास, आप फुल स्टॉप पीरियड का यूज़ करें ओमिट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। ही इज़ गोइंग टू US नेक्स्ट ईयर। मैंने यहाँ US में कोई भी डॉट नहीं यूज़ किया। करेक्ट। ही हैज़ गॉन टू U.K. इन ऑर्डर टू अर्न मनी। मैंने यहाँ पे U.K. में डॉट ले लिया। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगला, शी इंजॉयड इन U.K. एंड U.S. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। फ्रेंड, यहाँ पे एक बात कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आप एक में डॉट यूज़ कर रहे हो एक अब्रीविएशन में, तो दूसरे में भी आप डॉट का यूज़ करें। अगर एक अब्रीविएशन में आप डॉट का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो दूसरे में भी डॉट का यूज़ ना करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी वेंट टू U.K. फिर एक फुल स्टॉप। तो ऐसा नहीं है कि आप U.K. के बाद एक फुल स्टॉप का यूज़ करें, ये गलत माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अब्रीविएशन में एक फुल स्टॉप है। लेकिन यहीं पे अदर साइंस अगर आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन के मार्क्स या फिर एलिप्सिस के मार्क्स आ जाएंगे, यानी फोर डॉट्स के मार्क्स, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से एग्जांपल में देखते हैं, विल यू गो टू UK क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे मैंने UK में कोई डॉट नहीं लिया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको अदर साइन यूज़ करने हैं तो आपको एब्रीविएशन में कोई डॉट नहीं लेना है। ओके, अगर आप ये कहते हो विल यू गो टू U.K. क्वेश्चन मार्क, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट मैंने क्या कहा कि विदाउट डॉट वाले यू एब्रीविएशन ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं सेंटेंस में, अगर अदर साइन आगे लग रहे हैं तो, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन के मार्क्स या फिर एलिप्सिस के मार्क्स। अब लोअर केस के एग्जांपल्स देखते हैं। AM यानी एंटी मेरिडियम, यानी एक लैटिन वर्ड है, बिफोर नून यूज़ किया जाता है। एंड PM पोस्ट मेरिडियम, ये भी एक लैटिन वर्ड है, ये आफ्टर नून यूज़ किया जाता है। IE ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका फुल फॉर्म है इडेस्ट, जिसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, दैट इज़ या इन अदर वर्ड्स। EG एग्जेम्पली ग्रेशिया, ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका एक्सप्रेशन निकलेगा फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि AM और PM को आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, बट स्मॉल में यूज़ करना कॉमन रूल है और बेटर माना जाता है। AM को आप AM लिख सकते हो और AM छोटा वाला कैप्स लॉक यूज़ कर सकते हो, या AM स्मॉल A स्मॉल M यूज़ कर सकते हो, या फिर A.M. यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर शुरू में अगर इसका यूज़ करना हो तो कैपिटल हो जाता है। एग्जांपल, आई गो टू स्कूल एट 8A.M. करेक्ट। ही गोज़ टू ऑफिस एट 8A.M. एंड रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस एट 9P.M. मैंने यहाँ पे A.M. को छोटा लिखा है और P.M. को बड़ा लिखा है, ये गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। अगला,
IE का यूज देखते हैं जो इडेस्ट कहलाता है. ही गॉट एंगेज्ड इन जनवरी कॉमा आई डॉट ई डॉट कॉमा वन मंथ एगो. उसकी इंगेजमेंट जनवरी में हुई, मतलब एक महीना पहले. आई ई का मतलब हुआ मतलब, मीन्स अदर वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर रहा है. अगला ई जी का देखते हैं जो एग्जाम्पल देता है. आई लव पेट एनिमल्स कॉमा ई डॉट जी डॉट कॉमा डॉग कैट एंड काउ. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे डॉग कैट एंड काउ. नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों सेंटेंस आई ई और ई जी के जो सेंटेंस हैं वो रन ऑन एरर हैं. ये सेंटेंस गलत माने जाते हैं. अगर आप यहाँ पे ही गॉट एंगेज्ड इन जनवरी कॉमा की जगह सेमी कॉलन का यूज़ करते हो यहाँ पे, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा. ही गॉट एंगेज्ड इन जनवरी सेमी कॉलन आई डॉट ई डॉट कॉमा ही गॉट एंगेज्ड इन वन मंथ एगो. यानी आपको अदर वर्ड में फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस. अदरवाइज ये रन ऑन एरर में आ जाता है. जिस तरह से आई लव पेट एनिमल्स का देखते हैं, आई लव पेट एनिमल्स सेमी कॉलन लगा दीजिए, ई डॉट जी डॉट कॉमा लिख दीजिए और लिख दीजिए आई लव डॉग कैट एंड गाओ, जो स्टैंड अलोन सेंटेंस बन जाएंगे. ये करेक्ट हो जाता है. अब कुछ ऐसे रूल जो कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होते हैं या नहीं होते हैं फुल स्टॉप, आइए इसको क्लियर करते हैं. क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन में दो दो फॉर्मेट चलते हैं, दो दो रूल्स चलते हैं. तो जैसा कि ब्रिटिश में बता दें, ब्रिटिश में कॉन्ट्रैक्शन अगर आता है जैसे मिस्टर डॉक्टर पैराग्राफ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसका जो लास्ट वर्ड है अगर इसके होल वर्ड से सेम टू सेम मैच खाता है तो आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे. जैसे मिस्टर, मिस्टर में देखिए लास्ट में आर आ रहा है और मिस्टर इसका जो होल वर्ड है इसका भी लास्ट लेटर आर आ रहा है, तो जो दोनों आर आर कॉन्ट्रैक्शन से और होल वर्ड से मैच खाएगा तो फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना है. ओके. एंड डॉक्टर में देखिए डॉक्टर डॉक्टर, तो इसमें भी फुल स्टॉप नहीं यूज़ करना है. बट वहीं पे अगर मैं पैराग्राफ को लेता हूँ अगर, तो पैराग्राफ में पैरा का जो लास्ट वर्ड है वो ए है कॉन्ट्रैक्शन का और जो फुल वर्ड है होल वर्ड है वो एच है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करना पड़ेगा. तो ये था ब्रिटिश इंग्लिश का रूल. और अमेरिकन में आपका चाहे फुल स्टॉप चाहे लास्ट वर्ड डिफरेंट होल वर्ड से और या ना हो, आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना पड़ता है. जस्ट लाइक मिस्टर में भी फुल स्टॉप लगाइए, डॉक्टर में फुल स्टॉप लगाइए, पैराग्राफ में लगाइए, एवरीथिंग. तो ये थे कुछ रूल्स. अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा. तब तक के लिए बाय.